बुजुर्गों के साथ घटी इस शर्मनाक घटना के विरोध में कांग्रेस ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने इस पूरी घटना को लेकर सरकार पर जवाबदार अधिकारियों को बचाने का आरोप भी लगाया है। देखें ये खास रिपोर्ट। आज बुजुर्गों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में आई है और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने और कहीं ने हमने उन्होंने दुख जताया है, पूरे देश की लोगों ने दुख जताया कि इतनी निर्मम निर्दयता से हमारे गरीब जो बुजुर्ग है जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पड़े उनको एक मवेशी तरह से पशु तरह से उनको ठूस ठूस के भर के जंगलों में जाके छोड़ रहे थे। तो पूरा देश मतलब दुखी था कि ये इंदौर में इस तरह से मानवता नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, वहाँ का प्रशासन को मानवता है कि नहीं, अमानवीय तरीके से, और सरकार भी मुख दर्शक बन के सुन रही देख रही मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। इसीलिए आज हमारे इंदौर के जाबाज कार्यकर्ता नेताओं ने आज यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना देकर उनको ज्ञापन देंगे महामहिम राज्यपाल के नाम से, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, तत्काल ही सरकार के ऊपर कार्रवाई करें। और ऐसे इंदौर जैसी हालत पूरे प्रदेश में हो रही है, हर बुजुर्ग को मतलब गलत निगाह से देखा जा रहा है सरकार की तरफ से और वहाँ की नगर पालिका नगर निगम, तो नगर निगम के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और बुजुर्ग जितने भी प्रदेश में हैं उनको सम्मान के साथ रखने की जगह स्थापित ढूंढे और खाने पीने की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश सरकार की नैतिक जवाबदारी है। हम शिवराज जी से अनुरोध करते हैं कि उन बुजुर्गों को सम्मान के साथ खाने पीने कपड़े लत्ते जब तक जिंदे रहे उनको ये सरकारी संपत्ति घोषित करें और उनको जीने का सहारा दे, ये हमारी मांग है। नहीं तो आज जंगल में जाके छोड़ दिए थे, अगर मान लो वहाँ आवाज़ नहीं उठाते इंदौर के निवासी तो आज उनको जानवर खा जाते, वो क्या बेमौत मारे जाते लोग। इसलिए आज हम लोग पूरे कांग्रेस के साथी लोग यहाँ पर आए हैं और हम मांग करते हैं कि सरकार और नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई करें, दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करें, ये हमारी मांग है। इंदौर शहर का, इंदौर की अस्मिता का माँ अहिल्या द्वारा दिए गए संस्कारों का अपमान हुआ है। इंदौर ने जो नाम कमाया, यहाँ की जनता ने दिन रात एक करके स्वच्छता में हम 4 बार नंबर वन आए, देश भर में उसकी प्रोत्साहन मिला इंदौर शहर के नागरिकों को, उतना ही अपमानित इस घटना से हम हो गए। दुख उस बात का है कि देश प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन हो गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि अध्याय समाप्त हो गया। इंदौर के जिलाधीश गणेश जी से प्रार्थना करते हैं पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अपने आप में ये बताता है कि लिपापोती है और हम लिपापोती के विरोध में है। कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है, माँ अहिल्या की नगरी में न्याय दो। आज शहर कांग्रेस द्वारा बड़ा ज्ञापन देने जा रहा कमिश्नर साहब को, जो इंदौर के संभावित और नगर निगम के इंचार्ज भी होने के बावजूद भी इस नगर निगम इतनी बड़ी घटना हो गई जिससे देश में इंदौर का नाम झुक गया और इंदौर हमेशा लगातार नंबर वन सफाई नंबर वन रहा है, परंतु ये ऐसी घटना होने से इंदौर का नाम शर्मनाक से झुक गया है। मैं चाहता हूँ इंदौर जिन अधिकारियों ने ये घटना करी है उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और कमिश्नर सस्पेंड करना चाहिए या तबादला करना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर में इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि ग्वालियर के कमिश्नर को इन्हें तत्काल सफाई का मामला हटा दिया था, गृह मंत्री ने तहसीलदार को सिर्फ उनकी आवाज़ लगाने पर नहीं आया तो उनको सस्पेंड कर दिया, भार्गव जी ने उनके कार्यक्रम में इंजीनियर नहीं जाना सस्पेंड कर दिया। और इतनी बड़ी घटना हो गई जो बुजुर्गों को, जैसे मोदी जी बुजुर्गों को उनके नेताओं को हटा रहे हैं, वैसे ही इंदौर शहर में बुजुर्गों को नगर निगम को हटाया जा रहा था परंतु ये काम नहीं कर रहा, इसलिए हम चाहते हैं पूरे शहर कांग्रेस आदरणीय मनोहर वाकले नेतृत्व में आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय विशाल पटेल जी, वो समस्त कांग्रेस की द्वारा आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है तो इसके लिए नहीं मानते हैं तो गुरु आंदोलन किया जाएगा वो इंदौर में लगातार प्रदर्शन किया जाएगा इसका। जिस प्रकार से इंदौर में बहुत शर्मसार हूँ, मैं निंदा करता हूँ सरकार, छोटी सी कोई चूक हो जाए अधिकारियों से या किसी से तो उसके ऊपर से वो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। इतनी बड़ी घटना हो, बुजुर्गों का जो अपमान हुआ, उनको यहाँ से लेकर एक जानवरों जैसा बर्ताव हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। आज कमिश्नर साहब के पास ये बड़ी संख्या में कांग्रेस परिवार नहीं आम जनता यहाँ एकत्रित हुई है और आज निवेदन यही करने आए हैं, जो दोषी हो न्यायिक जांच हो और जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस पार्षद दल द्वारा आज यहाँ नगर निगम कमिश्नर को संभावित को ज्ञापन दिया। हमारी ये मांग थी कि जो 3 दिन 4 दिन पूर्व जो घटना घटी, हमारे इंदौर के शहर के बुजुर्ग लोगों को
कचरा गाड़ी में ठूस के भरकर ले जाकर और शिप्रा नदी किनारे छोड़ने चले गए थे। ये कृत्य पूरे देश विदेश और इंदौर शहर को शर्मसार कर दिया गया। स्वच्छता के नंबर वन में इंदौर नंबर वन था, किंतु आज इस कृत्य के बाद इंदौर शर्मसार के उसमें नंबर वन हो गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे बुजुर्ग लोगों का अपमान करने इस भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी एवं अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री इंदौर शहर में आते हैं किंतु बुजुर्गों के बारे में कुछ नहीं बोलते। हम दो दिन तक उनका इंतजार किया और तो उनका जो प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि यह अध्याय खत्म हो चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता है? उनकी पार्टियों की अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी से लेकर जितने भी बड़े बुजुर्ग नेता उनको सबको बाहर फेंक दिया गया, वैसे यहाँ इंदौर शहर में बुजुर्ग लोगों को फेंक दिया गया। ये इनकी सोच है। इस सोच को लेकर और जब अगर गोपाल भार्गव दो अधिकारी को सस्पेंड कर सकता है, अगर नरोत्तम मिश्रा तीन बार बोलने पर तहसीलदार को सस्पेंड कर सकता है, तो मुख्यमंत्री इंदौर कमिश्नर को क्यों नहीं यहाँ से सस्पेंड करके और यहाँ से हटाने का कर रहे हैं? क्योंकि मुख्य तो वही है, इस नगर निगम के मुखिया वो हैं। छोटे छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करना, बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करने आई है। अगर ये मांग नहीं पूरी होगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। देखिए, हमारे इंदौर में ऐसी घटना घटित नहीं हुई है जिसमें मानव जीवन को झकझोर करके रखने वाली, एक इंसानियत पे धब्बा लगाने वाली जो नगर निगम ने कृत्य किया है, वो कभी भी माँ अहिल्या की नगरी इसे माफ़ नहीं करेगी। और ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, उनके मान सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये प्रत्येक मानव की लड़ाई है। और जिस तरीके से यहाँ पर हम कांग्रेस ने ये आवाज़ उठाई है, हमारे पत्रकार बंधु ने आवाज़ उठाई है, पूरा समाज सेवियों ने आवाज़ उठाई है, उनके लिए हम जिला कांग्रेस शहर कांग्रेस से उनका धन्यवाद देते हैं। और आज यहाँ पर संभागायुक्त को हमने, ये जो गुंगी बेरी सरकार है जो बड़े अधिकारियों को बचाने का खेल करती है और इनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो उसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं।